हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। बुक में जो डेफिनेशन दी होती है वो हम वर्बली तो समझ लेते हैं, पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि रियल में ये अपर्चर होता क्या है। तो देखिए, ये दो आपके मिरर दे रखे हैं। इस मिरर में ये एक सर्कुलर शेप में है, ठीक है। तो एक ये सर्कुलर शेप की एक डायमीटर होगी, उस डायमीटर को ही हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। मेजर कर लेते हैं। देखिए, ये पहली सरफेस है, इसमें हमने लिया अप्रॉक्सीमेटली, हम देख लेते हैं। देखिए, ये करीबन 7.2 या 3 आ रही है। तो आप इसको अगर जूम कर लेते हैं, देखिए अपर्चर जो आ रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली, ये डायमीटर जो आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 7 के पास आ रही है, 7 सेंटीमीटर। तो आपके इस कॉन्वेक्स मिरर की जो अपर्चर है वो 7 सेंटीमीटर है। सिमिलरली दूसरा हमने लिया, ये कॉनकेव मिरर है, इसमें भी हम सिमिलरली मेजर करेंगे कि इस सर्कुलर शेप की डायमीटर क्या है। तो इसकी भी डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 7 ही आ रही है, 7.1 7.2। तो इस सर्कुलर शेप की जो डायमीटर होगी वही कहलाएगी अपर्चर। अब हम बात कर लेते हैं लेंस की। तो लेंस का अपर्चर क्या होगा, लेंस के लिए भी यही सेम डेफिनेशन है कि ये आपका लेंस है, इस लेंस में सर्कुलर शेप है, इस सर्कुलर शेप की जो डायमीटर होगी, तो हम देखते हैं कि इसकी डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 4.7 या 4.8 है ना। आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, ये आपकी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.7 या 8। तो इस लेंस का अपर्चर कितना हुआ, 4.7। सिमिलरली अब हम दूसरा लेंस ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, इसकी देखते हैं। तो इस पर हम लगाएंगे, ये इस सर्कुलर शेप की डायमीटर कितनी है, तो ये भी आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 4.6 या 4.7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपने जाना कि अपर्चर कुछ भी नहीं है, ये जो रिंग शेप है आपकी, ये सर्कुलर शेप है, इस सर्कुलर शेप की जो भी डायमीटर होगी वो कहलाएगी अपर्चर ऑफ द मिरर या लेंस। थैंक यू वेरी मच।